नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए मॉड्यूल के बारे में जो कि है ब्लॉग क्लास। दोस्तों, अभी तक हम लोग कोई भी अपनी वेबसाइट पे या फिर अभी तक हमने जो ड्रुपल में कोई भी ब्लॉग ऐड कर रहे थे तो हमें एक ऐसा ऑप्शन मिलता है कि हम उस ब्लॉग में अपनी क्लास भी यूज़ कर सकते हैं उस डिव में। जब भी वो डिव आता है तो उसमें वो क्लास ऐड हो जाती है जिससे कि आप इजीली अपने इस ब्लॉग को अच्छे से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं विद यूजिंग CSS जो भी आप यूज़ करते हैं। तो उसको हम कैसे अपने ब्लॉग को ऐड करते समय उसमें एक क्लास ऐड कर दें ताकि हम जो हमारे सारे ब्लॉग हैं, वैसे तो आईडी बेस भी कर सकते हैं कि क्योंकि जो भी हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं उस सबकी आईडी अलग अलग होती है, लेकिन अगर हमें क्लास कोई उसमें CSS के लिए या तो क्लास यूज़ करनी है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कि तो उसके लिए हमें इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके इसको अपने प्रोजेक्ट में डालते हैं। मैंने ऑलरेडी कर लिया है तो हम इसको इनेबल करते हैं। तो उसके लिए हम मॉड्यूल के पेज पर चलते हैं। ये देखिए ब्लॉक क्लास करके मॉड्यूल है, अलाउ असाइन CSS क्लासेस टू द ब्लॉक्स, ठीक है। इसको इनेबल कर लेते हैं, सेव करते हैं। सेव हो गया। अब देखते हैं कि कोई ब्लॉक ऐड करते हैं तो इसमें हमें CSS क्लास ऐड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए यहाँ तक अभी तक नहीं आ रहा था और ये जैसे इनेबल किया मॉड्यूल तो ये यहाँ पर CSS ऐड करके ऑप्शन आ गया। एक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डमी कंटेंट डाल देते हैं, इसको हम लोग अपने कंटेंट में सेट कर लेते हैं और सभी पेज पे दिखाते हैं। ये देखिए ये आ गया। इसका टाइटल नहीं दिया था दोस्तों, तो टाइटल दे देते हैं। सेव कर देते हैं, ये आ गया। अब देखिए और नोटिस कीजिएगा, अभी हमने क्लास नहीं दी है इस ब्लॉक की, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक 3 है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप देखेंगे जब, तो ये इसकी आईडी है ब्लॉक 3। अभी इसमें जो हमने कस्टम क्लास ऐड करनी है, अपनी क्लास जो ऐड करनी है वो भी ऐड नहीं हुई, तो अभी इसको क्या करते हैं, इसको फिर चलते हैं, एडिट करते हैं और इसमें अपनी जो भी हमें क्लास देनी है टेस्ट CSS करके क्लास दे देते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं। देखिए अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो हमने क्लास ऐड की थी ये वो है टेस्ट डैश CSS। तो ये था कि अगर हमें अपनी कोई जो हमने ब्लॉग क्रिएट किया है उसमें हम CSS ऐड करना चाहते हैं या क्लास ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि क्लास ऐड करेंगे तभी CSS ऐड करेंगे, या तो आईडी बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्लास बेस पे करना है या क्लास ऐड करनी है अपने ब्लॉग में तो आप ब्लॉग क्लास का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।